सर मेरा जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ पर जितने पूछे गए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें. इसमें प्रायोरिटीज है, इसमें जॉब है, इसमें करियर है, इसमें चॉइस है, इसमें पेरेंट्स फैमिली सब कुछ है. मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ सुन करके. जल्दी बता दो ऐसा क्वेश्चन तो मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछा. क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डील विद द इश्यूज व्हेन यू हैव योर ओन ड्रीम्स व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश वर्सेस फैमिली इश्यूज. अगर आपकी फैमिली आपकी ड्रीम्स के अगेंस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मी आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट गलती से एंड माई फादर वॉन्ट्स मी टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर विच आई डू नॉट वॉन्ट टू एंड आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स बट आई एम नॉट रियली हैप्पी. और ये सब आप शेयर करना चाहते हो कैमरे में? यस श्योर यू कैन. अभी जो आप जॉब कर रहे हो वो सिक्योर्ड है पूरी, मतलब अच्छी, यू आर गेटिंग गुड मनी, गुड पैकेज, एवरीथिंग फाइनेंशियली? बिल्कुल नहीं सर. बिल्कुल नहीं सर. अभी 5 महीने पहले लास्ट. आगे ग्रोथ नजर आ रही है वहाँ पे? आगे फ्यूचर कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं. फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, बस पेरेंट्स को लग रहा है कि इससे बुरा क्या होगा. सोचने वाली बात है. तो अब प्रॉब्लम क्या रह जाती है? एंड ऑल्सो सर देयर इज अ कम्फर्ट जोन जहाँ पर आते ही आप थोड़े से ढीले पड़ने लगते हो अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए. सो दैट्स हाँ एक कम्फर्ट जोन है क्योंकि हर महीने के एंड में चाहे वो जॉब हमको पसंद हो चाहे ना हो, बट द पॉइंट इज वहाँ से महीने के एंड में सैलरी तो आ ही रही है और उस सैलरी के अकॉर्डिंग हमारे खर्चे ऑलरेडी बने हुए हैं. और एकदम से अगर वो आना बंद हो गया तो गए. यही सब डर है ना. टॉपिक क्लियर हो रहा है? मतलब क्या है ये टॉपिक कि अगर फैमिली सपोर्ट ना करे, बट एक्चुअल में जो टॉपिक है वो फैमिली के सपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये कंफर्ट जोन की प्रॉब्लम है. कि चाहे जितना भी बुरा है, जैसा भी है, कंफर्टेबल है. कंफर्ट जोन का मतलब है नोन है कि हमें पता है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट. तो हमारा जो माइंड है दैट इज ऑलवेज अफ्रेड, वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द अननोन क्योंकि पता नहीं वहां पर क्या होगा. तो जैसे ये पता नहीं आ जाता है तो लोग डरने लग जाते हैं. जो भी ऐसा पाथ होता है जिस पर सब चल रहे होते हैं, चाहे वहां पर कितने भी धक्के पड़ रहे हैं, वहां पर कितनी भी मारकाट मची हुई है, वहां पर कितना भी रोना धोना है, लेकिन मैं अकेला नहीं रो रहा, मेरे साथ में सब रो रहे हैं. अरे चलते रहो. लेकिन जैसे ही कोई ऐसा पाथ नजर आता है जिस पर सब नहीं चल रहे हैं, यानी आपको अकेले चलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन. ये बहुत बड़ा फियर होता है. जैसे अगर मैं अभी आप में से किसी को यहाँ पे स्टेज पे बुला लूं और कहूं बोलो यहां पर आकर के 10 मिनट तक, क्या होगा? डर लगेगा या नहीं लगेगा? पहले ये सोच लेना. मैं एक्चुअली बुलाऊंगा उनको जो बोल रहे हैं नहीं लगेगा डर, क्योंकि ये मत समझना यहाँ पे ये 200-300 फुकरे बैठे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त कैमराज में, लाखों लोग, मतलब मुंह से कोई भी एक गलत बात निकली और आपकी लाइफ एक अलग ट्रैक पे निकल जाएगी. टॉपिक ऐसा दे दूंगा कि हाथ पैर कांपने लग जाएंगे. कौन के ऊपर बोलना है? आओ बोलो, कौन बोलेगा? बोलो. बोलोगे? अरे लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर यार. नहीं नहीं बोलना नहीं है मैडम. मुझे डरा दिया आपने तो यार. सही में मतलब यू आर ओके विद स्पीकिंग ऑन इट, ऑन दिस टॉपिक? टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन दैट इज रिलेटेड टू पॉर्न. अच्छा, और पूरी दुनिया इसको देखने वाली है, यू आर ओके विद इट? आ जाओ आप इधर आओ, बोलो क्या बोलते. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. विश यू ऑल द बेस्ट. सर मैं जरा सी व्हेन आई वाज इन एडल्ट 13-14 इयर्स, तो मेरे घर पे ये होता था कि जैसे मतलब थोड़ी कंजर्वेटिव सोच होती है थोड़ी फैमिली की, कि जैसे टीवी पे हम बच्चे थे तो ऐड चल रही है, जैसे कॉन्डम की ऐड आ गई या सपोज कुछ भी बहुत रोमांटिक से ऐड आ गए, तो सारे मतलब ऐसे हिलने डुलने लगते हैं. मतलब उनको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार बच्चे देख रहे हैं, उनको कुछ मतलब इनसे दूर रखो. तो या तो टीवी बंद हो जाती है या तो वो लोग हाँ चैनल चेंज हो जाता है या तो वो लोग वहाँ से मतलब चले जाते हैं. तो थोड़ा अजीब लगता है कि फैमिली इतनी कंजर्वेटिव क्यों है. अभी हम रेप कल्चर की बात करें, जैसे इंडिया में इतने सारे रेप बढ़ रहे हैं और जब भी गवर्नमेंट बात करती है कि हमें सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. मैं थोड़ा आराम से पानी वानी चाहिए? नो इट्स ऑल राइट. सर जब भी गवर्नमेंट बात करती है सेक्स एजुकेशन की, तो हमारे जो भी मतलब सो कॉल्ड रिलीजियस लोग होते हैं वो इसे अपोज करते हैं कि दैट इज़ नॉट आवर कल्चर, दैट इज़ अ वेस्टर्न कल्चर. बट आज के टाइम में सर ये सब बहुत ईजिली अवेलेबल है. अगर आप पेरेंट्स अगर किसी बच्चों को नहीं सिखाते तो वो इंटरनेट से या किसी भी और मीडिया से वो सीखने ही वाले हैं.
तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उसको अपने तरीके से अपने बच्चों को उस चीज़ का एजुकेशन दे, तो आगे जाके वो उसको किसी गलत तरीके से कोई उसको ना समझा दे। जैसे कोई लड़की है, मे बी वो 15 to 18 ईयर्स में जाती है, तो उसके लाइफ में कोई ऐसा आता है कि जो उसका मिसयूज़ करता है, उसे पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती कि इस चीज़ को लेके क्या रियलिटी है और क्या होना चाहिए। तो मेरा सर आज का थोड़ा इशू ये अभी जो गवर्नमेंट में चल रहा है कि सेक्स एजुकेशन को कैसे स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, अबाउट देयर प्राइवेट पार्ट्स, व्हाट इज बैड टच, व्हाट इज गुड टच, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब देखो ध्यान से समझना क्या किया इन्होंने। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप नहीं कर सकते थे। आप में से कौन है जो यहां पर आकर के ऐसे नहीं बोल सकता था या नहीं बोल सकती, बताओ? एनीबॉडी हु कैन से कि नहीं, मेरे को ये बातें नहीं पता है, या मैं ऐसे नहीं बोल सकता, या मैं ऐसे नहीं सोचता? कोई है जिसकी सोच इनसे अलग है, या इन्होंने वही बोला है जो हम सबकी सोच है? यस और नो? यस और नो? एनीबॉडी हु डिसएग्रीज विद हर? कोई नहीं, सब एग्री करते हैं। एग्री करते का मतलब क्या कि हम भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है यहां पर आकर के। ये होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। यही फर्क होता है उन लोगों में जो लाइफ में कुछ ढंग का कर जाते हैं और उन लोगों में जो बैठ करके सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। सुनने में कड़वा लगे लेकिन सच है। इतने सारे लोगों में एक ने अपना हाथ ऊपर किया और यहां पर आकर के बोलना, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत डरा दिया था लाखों लोग देखने वाले हैं ये, स्टिल ही हैज दैट करेज टू टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। तो यहां से हमको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो प्रैक्टिकली ये समझ आ रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आते हैं। किसी के बोलने से नहीं आते। मैंने क्या कर रहा था, मैं आपको मोटिवेट कर रहा था यहां पर आने के लिए या डीमोटिवेट कर रहा था? डीमोटिवेट कर रहा था। अगर ध्यान से आपने समझा हो तो मैं आपकी वॉट लगा रहा था, सोचो जरा, सोचो 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 ये हो करके, और सब हो गए डीमोटिवेट, सबकी वॉट लग गई। लेकिन ये डीमोटिवेट नहीं हुई, क्यों? बिकॉज इन्होंने डिसीजन इसके बेस पर नहीं लिया कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या नहीं बोल रहा हूं। इनके अंदर से आया कि हाँ, ये दिस टॉपिक इज क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन इट नो मैटर वॉट। दुनिया जो सोचती है उनकी प्रॉब्लम है, राइट? हाँ, ये थॉट प्रोसेस होती है उन लोगों की जो लाइफ में कुछ अलग करते हैं। इस अलग करने को ही सक्सेस बोलते हैं, अगर एक्चुअल में आप सक्सेस का मतलब समझोगे तो। यानी जो सब कर रहे होते हैं उससे थोड़ा सा अलग, या जो सब कर रहे होते हैं उसी को अलग तरीके से, ये दो ही चीजें होती हैं। आप बोलिए। सर, एक्चुअली मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करूँ, बट मेरे पास कैपिटल नहीं था मेरा बिजनेस करने के लिए। देन मैं दुबई गया अपना बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे करने। मैं वहाँ पे गया था, सिर्फ मेरा माइंडसेट ये था कि मैं कुछ अर्निंग करूँ, देन इंडिया आके अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। बट वहाँ पे मुझे इतना अच्छी प्रोग्रेस मिली, मैं 4 साल रहा, एक ट्रिप की, देन अगेन मैं गया वहाँ पे। इतना अच्छा सब कुछ मुझे मिला, अच्छी सैलरी, सब चीज़ अच्छा था, बट फिर भी माइंड में वही था कि इंडिया आके बिजनेस करना है। लाइक अंबानी, अभी मैं 5 महीने पहले इंडिया आया दुबई से, तो मेरी और इंक्रीमेंट कर रहे थे जो मेरे बॉस थे, बट अभी मैंने स्टेप लिया, नहीं अगर अभी नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। बट अभी यहाँ पे बिजनेस जो स्टार्ट किया है, इसमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर था। इन्होंने एक बड़ी कमाल की बात बोली, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि इन्होंने जॉब को छोड़ा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब इनको ये लग रहा है कि यार वो जॉब ही अच्छी थी मान लो, या उस जॉब में भी प्रोग्रेस की कोई कमी नहीं है, वहां पर भी हम आगे बढ़ सकते थे। तो अब ध्यान से समझना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मेन पर्पस क्या है? क्या ये है कि हम ये छोड़ करके वो करें? क्योंकि जो भी करोगे उसके भी अपने प्लस माइनस होंगे। क्योंकि जब तक कोई चीज, जैसे बोलते नहीं कहावत नहीं, दूर के ढोर, तो दूर से बड़ा अच्छा लग रहा था बिजनेस बिजनेस कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं ये मैं वो। जब जाते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकली, तब हमें समझ आता है कि वो मेरे लिए है या नहीं है। तब ये भी समझ आता है कि जो हम पहले कर रहे थे वो मेरे लिए है या नहीं है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जो भी आप रिस्क लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, अभी टाइम है आप लोगों के पास में, लो तो सही। अब इन्होंने रिस्क लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से निकलोगे तो बिजनेस आप करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होना है, नहीं। कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब यह है कि एटलीस्ट अब आप वहां से बाहर निकले, आपने बिजनेस ट्राई किया, हो सकता है वो बिजनेस चले, हो सकता है ना चले, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। नहीं भी चले, अगर आप वापस से वहां भी गए
जहां पर आप पहले थे, तो एटलीस्ट आपके अंदर से जिंदगी भर के लिए रिग्रेट निकल गई। ये रिग्रेट तो गया ना हमारे अंदर से हमेशा के लिए कि मैंने ट्राई नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में। उसके बाद अगर आप वहां वापस भी जाओगे तो आप नोट करोगे आप पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से काम को करोगे, और माइंड में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कि ये करूं या ये करूं, वो हमेशा के लिए निकल गया, खत्म। क्योंकि कोई भी चीज करके ही समझ आती है, बिना करे नहीं समझ आती। मैं आपको, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। आई विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले। 0.1% ना भी मिले बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, और आप वापस भी जाओ तो अब एटलीस्ट वहां पर, जहां भी आप जाओ वहां पर खुश रहो। लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये चीज बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कंटिन्यू उधर की जो कंपनीज थी वहां पे जो मेरा लिंक था, आई वाज इन सेल्स, तो अभी भी ऑफर्स आते हैं तब माइंड बहुत दगा जाता है कि क्या करना चाहिए। और वो इसीलिए ऑफर्स आ रहे हैं क्योंकि वहां पर आपने बहुत अच्छे से काम किया। बिकॉज आई नो द टू लैंग्वेजेस, ईरानियन एंड अरेबिक, दैट्स व्हाई। मतलब अगर इसको सिंपल वे में देखा जाए तो यू वर एन एसेट टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर आप काम कर रहे थे, है ना? Yes. उनके लिए आपकी वैल्यू है। Yes. अगर नहीं होती तो ऑफर्स भी नहीं देते, तो इसका मतलब वो तो दरवाजा आपके लिए खुला ही है। तो अब आप अपना एक माइंड मेकअप कर सकते हो कि मेरे को अगले एक साल तक लग करके उसके ऊपर एक्ट करना है, और फिर एक साल बाद देखना है कि इसमें से क्या निकल करके आ रहा है। अगर तो कुछ निकल के आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आई विल गो बैक देयर। बट यू मस्ट गिव इट अ शॉट, क्योंकि बिना दिए वो समझ नहीं आता। इससे आपको भी आंसर मिला अभी, कि अभी आप कह रहे हो कि जहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पे पैकेज भी इतना तगड़ा नहीं है और फ्यूचर भी इतना स्कोप नजर नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आपने अपने एंड पे कुछ करने की कोशिश करी। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, पेरेंट्स ने कुछ टाइम तक बोला, वो तो अभी भी बोल ही रहे होंगे किसी ना किसी बात पे, बाद में भी क्या बोलेंगे ही, क्या बोल रहे होंगे अभी, ये बोल रहे होंगे कि तेरा भाई देख, तू खुद को देख, ये वो, तब भी तो यही बोलेंगे, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। सोचने वाली बात है। हम बस कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने माइंड में। इंडिया में किसी के माँ बाप में इतना दम नहीं है कि अपने बच्चों को डिसओन करते, नहीं है दम। अब भैया वो टाइम गया कि 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, कि नाम ही नहीं पता माँ बाप, दो बच्चे टोटल हैं। बच्चों में जान अटकी पड़ी है माँ बाप की। कभी आपने थोड़ा सा नौटंकी के लिए भी बोला ना कि आओ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, नींद उड़ जाएगी आपके घर वालों की। कभी करके देख लेना, ये नौटंकियाँ करी भी होंगी, मैं करके क्या देख लेना। मैं बड़ी करता था बचपन में, मतलब जरा सा कुछ हुआ पापा मेरी बड़ी पिटाई करते थे, मतलब बचपन में खूब मार खाई है। जब भी पिटाई होती थी मैं जा रहा हूँ घर छोड़ कर, छोटा सा होता था, घर छोड़ के चला गया, पीछे पार्क में बैठा हुआ, फिर मम्मी आती थी मनाने के लिए, नहीं नहीं बेटा आ जा, मैं नहीं आ रहा, मैं यही सोऊंगा आज रात को, मतलब नौटंकियाँ। कहने का मतलब है हम बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि वो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, मार देंगे, समझ लो क्या बोलेंगे, तो बोल तो अभी भी रहे हैं। एटलीस्ट क्या हुआ कि आपने अपना जो भी ड्रीम है, अब उस ड्रीम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, नोबडी नोस। अब प्रॉब्लम कब होती है, जब हम चाहते हैं कि कोई आकर के ना हमको श्योरिटी दे दे कि मैं ये छोड़ूंगा, ये करूंगा, यहां पे मुझे सक्सेस मिल जाएगी। याद रखना मेरी इस बात को अच्छे तरीके से, गांठ बांध लेना, कोई भी बंदा आकर के अगर आपको इस तरह की श्योरिटी दे रहा है ना, चोर है एक नंबर का वो बंदा। वो अपना काम निकालेगा और आपको साइड में करेगा। जो भी बंदा जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो कभी भी आपको श्योरिटी नहीं देगा, आपको सही सलाह देगा। तो मैं आपको बिल्कुल एक अनबायस्ड एक सही सलाह दे रहा हूं। वो सही सलाह क्या है, अगर एक्चुअल में आपके अंदर से आ रहा है कि यार ये तो करना ही है लाइफ में, एक बार तो ट्राई करना है, तो करो ना। फेल हो गए तो जो कर रहे थे वही करते रहना बाकी पूरी लाइफ, एटलीस्ट ट्राई तो करो, और क्या पता सक्सेसफुल ही हो जाओ वहां पर, क्या पता सक्सेसफुल हो ही जाओ। अभी आपने अंबानी का नाम लिया, क्या पता द नेक्स्ट, क्या सर नेम है आपका, कमानी, तो उनका है अंबानी, आपका है कमानी, तो हो सकता है नेक्स्ट कमानी। चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सी यू सून।